आज हम बात करने वाले हैं LIC के ऐसे प्लान के बारे में जो देता है आपको हाईएस्ट रिटर्न। हाईएस्ट रिटर्न मतलब कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलती है। एक लौती पॉलिसी है जिसका नाम है न्यू जीवन लाभ टेबल नंबर 936, जो कि पहले था 836, अभी अपडेट हो चुका है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फायदों के बारे में। इससे पहले आपने कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट किसी कारोबार, किसी बिजनेस, किसी प्लान में की होगी तो आपने देखा होगा अगर आपने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका प्रॉफिट 21 लाख यानी उसके बाद स्टार्ट होगा। एक लौती पॉलिसी है जीवन लाभ, जिसमें कि आप अगर कोई पॉलिसी, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज 20 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सिर्फ वाकई में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ 12 लाख रुपए की करनी है। क्यों हुआ ना ये मुनाफे का फायदा? अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्टिव प्रीमियम पेमेंट का मतलब होता क्या है? आकर्षक प्रीमियम पेमेंट, अरे भाई ऐसी क्या पेमेंट है जो बहुत आकर्षक है, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कह दिया था कि आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके होने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे। पेमेंट टर्म लेस, लाइफ रिस्क कवर एक्स्ट्रा। इसका मतलब पेमेंट का जो टर्म है वो कम है और लाइफ का रिस्क कवर एक्स्ट्रा है, और किसी पॉलिसी में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं हम तो हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि ये शेयर मार्केट में तो नहीं, कोई लिंक प्लान तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल कोई लिंक प्लान नहीं है, ना ही इसका कोई लेना देना है शेयर मार्केट से। ये पॉलिसी आपको क्या क्या दे सकती है? पॉलिसी आपको क्या क्या दे सकती है वो आप पे निर्भर करता है, चाहे वो बच्चों की फ्यूचर में होने वाली पढ़ाई के लिए हो या फिर उनकी शादी की प्लानिंग। ये भी हो सकता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो सकता है आपका बड़ा घर लेने का सपना हो। ये सारे चुनाव आपको करने हैं कि आप इससे क्या क्या पा सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए तो क्या क्या करना होगा और कैसे कैसे करना होगा उसके बारे में बात करते हैं। हर काम को, हर इन्वेस्टमेंट को करने के लिए क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है। आज हम उसी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने अपना करियर अभी अभी स्टार्ट किया है और मैं उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं। इन्वेस्टमेंट को लेके उनका कहना ये होता है कि यार 10 साल, 15 साल, 20 साल इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कौन करे, तब जाके पैसे की वैल्यू क्या होगी। उनके लिए भी मेरे पास जवाब है, पूरा वीडियो देखिए और इस चीज को समझिए। और कई बार मैं ऐसे लोगों से भी बात करता हूं जो मुझसे कहते हैं, 50 और 45 की उम्र के लोग मुझसे कहते हैं, यार काश मैंने अपनी जवानी में इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो आज मैं मैच्योरिटी का फायदा उठा रहा होता। मिनिमम एज 8 साल की है, 8 साल की उम्र वाला व्यक्ति भी इस प्लान का पूरा पूरा फायदा उठा सकता है। ये प्लान 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। हम बात करेंगे अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र 18 से कम है अगर वो इस प्लान को लेता है तो उसको जबरदस्त बेनिफिट्स भी देती है LIC जीवन लाभ पॉलिसी, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले 3 ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में इस पॉलिसी से होने वाले फायदे आप 16 साल में उठा सकते हैं, ऑप्शन 2 में 21 साल में और ऑप्शन 3 में 25 साल में। अब हम बात करेंगे ये 3 ऑप्शन जो साल साल 16, 21 और 25 साल है उसका मतलब क्या है और कितना इन्वेस्टमेंट करने पे कितना पैसा और कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो ऑप्शन 1 में 59 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन 2 में 54 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन 3 में 50 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम एज। तीनों ही ऑप्शंस में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी में, और मैक्सिमम सम अशॉर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मन में 16 साल की पॉलिसी में आपको सिर्फ 10 साल तक ही प्रीमियम भरना है। ऑप्शन नंबर 2 में 21 साल की पॉलिसी में सिर्फ मात्र 15 साल तक ही भरना है, और 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 16 साल तक ही भरना है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पेइंग टर्म है वो ऑब्वियसली बहुत कम हो गया है और पॉलिसी की मैच्योरिटी काफी ज्यादा लंबे समय के होने के कारण ही आपका लाइफ का कवर बढ़ चुका है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि ईयरली पेमेंट मोड चूज करने वालों की पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस पॉलिसी को अपने बच्चे के लिए तो आपको उसमें चुनाव जरूर करना है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का, क्योंकि पॉलिसी होल्डर जो कि आपका बच्चा है और आप उसके गार्जियन जो आप उसके पेरेंट्स हो, इस पॉलिसी में अगर कल को पेरेंट्स को कुछ भी हो जाता है और बच्चे की उम्र 8 से 17 के बीच में है तो ये पॉलिसी बंद नहीं होगी, LIC इसको अपने आप भरेगी और मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा पैसा बच्चे को मिल जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ,
पॉलिसी होल्डर ये चुन सकता है कि उसको मैच्योरिटी पे और डेथ के टाइम पे जो पेमेंट मिलेगा उसकी फैमिली को, उसका मोड क्या रहेगा। सिंगल पेमेंट ऑफ ऑल बेनिफिट अमाउंट, आप चाहो तो डेथ क्लेम एक ही बार में ले सकते हो, मैच्योरिटी क्लेम एक ही बार में ले सकते हो, और चाहे तो आप इसे चूज कर सकते हो इस तरीके से, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, 5 साल के गैप में, 10 साल के गैप में, 15 साल के गैप में, ये आप चूज कर सकते हो। जब तक पॉलिसी होल्डर है वो ये बदलाव कर सकता है, सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही ये बदलाव कर सकता है और कोई नहीं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक पॉलिसी जिसका अमाउंट है 2 लाख, दूसरी पॉलिसी का अमाउंट है 5 लाख, तीसरी पॉलिसी का अमाउंट है 10 लाख और चौथी पॉलिसी का अमाउंट है 20 लाख रुपए का। इसमें हम कितना पे करते हैं, हमको कितना मिलता है, कितने समय तक हमको ये पैसा देना है और मैच्योरिटी अमाउंट हमको क्या मिलने वाला है, वो सारी बात हम अभी इसी प्लान में करेंगे। एग्जाम्पल हम 30 साल की उम्र वाले व्यक्ति के बारे में अभी बात कर रहे हैं। जो प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पॉलिसी टर्म रहेगा 25 साल का, पेमेंट टर्म रहेगा 16 साल का, 9 साल तक आपको बीच में कुछ पे नहीं करना है। इस कैलकुलेशन के अनुसार 2 लाख की पॉलिसी में आपने मंथली प्रीमियम जो पे करना है वो 834 रुपीज करना है। 5 लाख वाला प्रीमियम, 10 लाख वाला प्रीमियम, 20 लाख वाला प्रीमियम आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमने ईयरली प्रीमियम भी कैलकुलेट कर लिया है, आप देख सकते हैं सेम चीजें आपकी स्क्रीन पर है। जो आपने इस पॉलिसी में टोटल प्रीमियम पे करना है वो आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें हमने मैच्योरिटी अमाउंट भी मेंशन कर दिया है, टोटल प्रीमियम आप देख सकते हो और मैच्योरिटी अमाउंट दे सकते हो। 2 लाख वाली पॉलिसी में 1,53,892 रुपीज आपने टोटल पे करने हैं, जबकि आपका पॉलिसी का अमाउंट 2 लाख रुपए का है। आपको कुछ भी होता है, 2 लाख की पॉलिसी है ये, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रीमियम कम जा रहा है, इसी रीजन से आपको मैच्योरिटी बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। सेम चीज हम यहाँ पर 5 लाख वाली पॉलिसी में देखेंगे, 3,74,000 रुपए का प्रीमियम आपने टोटल भरना है और 13,50,000 रुपए आपको इसमें मिलते हैं। सेम चीज 10 लाख वाली पॉलिसी में भी कैलकुलेट करके दिया और 20 लाख वाली पॉलिसी में भी कैलकुलेट करके दिया है। इसमें आप चेक कर सकते हो टोटल प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट को, हाईएस्ट रिटर्न देने वाली पॉलिसी है ये जीवन लाभ पॉलिसी। जो डेथ क्लेम मिलता है वो डिपेंड करता है आपके पॉलिसी पीरियड के ऊपर। सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और उस दौरान आने वाले 4, 5 साल, 10 साल में अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके पॉलिसी अमाउंट के साथ साथ मिलता है बोनस, उसे कहते हैं वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस। वो हर साल ऐड होता है, जितने ज्यादा साल पॉलिसी को होंगे उतना बोनस उसमें ऐड होके नॉमिनी को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है। इस वीडियो में मैंने लगभग आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जीवन लाभ पॉलिसी टेबल नंबर 936 की आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। आपका जब मन करे, आपको लगे कि आप कर लेना चाहिए, क्योंकि सही चीज करने के लिए कभी एक सही समय नहीं होता, समय से ही सही चीज हो जाती है।